नचांगे गावांगे खुशियां मनावांगे, नचांगे गावांगे खुशियां मनावांगे। हो जाओ सर तैयार, आया संत समागम। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागम की श्रृंखला इस बार भी जारी रहेगी। जी हां, कोरोना काल में भी निरंकारी संत समागम होगा और वो भी वर्चुअल रूप में। इस बार समागम के लिए किसी को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही पूरा समागम का आनंद ले सकते हैं। जी हां, इस बार निरंकारी संत समागम दिसंबर को होगा वर्चुअल रूप में और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूर देशों में बैठे हुए लाखों निरंकारी भक्त अपने घर बैठे ही लाइव निरंकारी संत समागम का आनंद ले सकेंगे। पूरी खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वाणी की सच्ची बात। मैं आपको बता दूं कि जब भी निरंकारी संत समागम की तारीखों की घोषणा होती है उसी के साथ ही सारे निरंकारी भक्त तैयारियों में जुट जाते हैं। जहां ग्राउंड की तैयारियां शुरू होती हैं, मैदान को समतल किया जाता है, समागम की तैयारियां होती हैं, वहीं जो अलग अलग शहरों में अलग अलग देश के कोने कोने में निरंकारी भक्त हैं वो वहां तक पहुंचने के लिए रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं और उसके अलावा जो सामूहिक रूप से आते हैं वो अपनी बसें भी बुक कराते हैं और इस तरीके से जो सरकारी सर्विस करते हैं या कहीं प्रतिष्ठानों पर काम करते हैं वो भी अपने बॉस या मालिक से कहकर उन दिनों के लिए छुट्टी मांग लेते हैं। लेकिन इस बार का निरंकारी संत समागम वर्चुअल रूप में हो रहा है तो किस तरीके से निरंकारी भक्तों ने तैयारी की है, आखिर वो घर बैठे हुए निरंकारी संत समागम कैसे देखेंगे, आइए इसी संदर्भ में कुछ निरंकारी भक्तों के विचारों को जान लेते हैं और उनसे जो बात की गई है किशोर स्वाणा सच्ची बात की तरफ से वो भी जान लेते हैं कि आकर उनके भाव क्या हैं और वो इस निरंकारी वर्चुअल समागम को किस रूप में देखेंगे और उन्होंने क्या तैयारी की है। हो जाओ सर तैयार, आया संत समागम। प्रेम से कहना धनंकार जी, सत्संगत, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार समागम ऑनलाइन ही हमको रहमतें मिलने वाली हैं सतगुरु की, और दास तो बहुत एक्साइटेड है समागम के लिए क्योंकि इस बार समागम अपने घर बैठ के ऑनलाइन करेंगे। सतगुरु की कृपा बहुत बड़ी है कि समागम करने का मौका मिल रहा है। और दास को याद है, अक्सर दास जो है यहाँ से मुंबई में शूटिंग का शेड्यूल बड़ा बिजी हुआ करता था, तो कैसे भी करके दास अरदास किया करता था कि सतगुरु माता जी बाबा जी कैसे भी करके बस जिस डेट पे समागम है उस डेट पे कोई शूट ना रहे और उस दिन दास दिल्ली के अंदर मौजूद हो ताकि आप जी के चरणों में हाजिरी लग सके दास की। तो सतगुरु की अक्सर कृपा रहती थी कि समागम यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाके समागम अटेंड करना हो पाता था। इस बार सतगुरु की कृपा अलग तरीके से होने वाली है क्योंकि ऑनलाइन समागम करने का मौका मिल रहा है। शूट वगैरह कैंसिल करके अपने घर पर बैठ के यहाँ मुंबई में यहीं अपने घर से समागम ऑनलाइन करेंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और अपॉर्चुनिटी है उन संतों के लिए भी जो समागम अटेंड नहीं कर पाते थे, तो ऑनलाइन घर बैठ के वो भी समागम करें और सतगुरु की कृपा के पात्र बने। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि सतगुरु हमें ऑनलाइन आशीर्वाद देने वाले हैं। यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा दास तो कि सतगुरु की रहमत इसी तरह बनी रहे सारे संतों महापुरुषों पर और ये प्यार और समागम सत्संग का कारवां यूं ही चलता रहे। यही अरदास, यही प्रार्थना, प्रेम से कहना धन्यवाद। हो जाओ सर तैयार, आया संत समागम। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से मैं अंजलि गंगवाली, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरा पूरा परिवार निरंकारी मिशन से काफ़ी वर्षों से जुड़ा है, लेकिन मैं और मेरा पूरा परिवार कभी भी निरंकारी संत समागम अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन इस बार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें निरंकारी संत समागम देखने का अवसर मिलेगा, वो भी लाइव वर्चुअल रूप में टीवी पर। इसकी मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सन 1948 में निरंकारी संत समागमों की श्रृंखला शुरू हुई थी और तब से लेकर निरंतर निरंकारी संत समागम होते रहे हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों लेकिन निरंकारी संत समागम होते रहे। चाहे वो बाबा अवतार सिंह जी महाराज के द्वारा शुरू किया हुआ प्रारंभिक समागम हो या फिर बाबा गुरुबचन सिंह जी के बाद
लगातार 36 वर्ष बाबा हरदेव सिंह महाराज के सानिध्य में हुए निरंकारी संत समागम हो और उसके बाद निरंकारी सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के नेतृत्व में हुए निरंकारी संत समागम। आज वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में लगातार ये तीसरा निरंकारी संत समागम होने जा रहा है जो वर्चुअल रूप में होगा। जी हाँ, समालखा में सभी पिछले वर्ष यानी कि 72वें निरंकारी संत समागम में शामिल हुए थे। सपने करेंगे साकार आया संत समागम। दास रक्षपाल धीमान, पत्रकार दैनिक जागरण हिमाचल प्रदेश, ब्रांच नगोटा सूर्य का रहने वाला है। दास ने 73वें वर्चुअल समागम की तैयारियां एक गुरसिख के नाते कर शुरू कर दी हैं। हालांकि पूर्व की भांति इस बार रेलवे की बुकिंग नहीं करवानी पड़ रही है और ना ही बिस्तरे की तैयारी करनी पड़ रही है, लेकिन पूर्व की भांति ही दास ने 73वें वर्चुअल समागम के लिए 3 दिन की बहुत से छुट्टी मंजूर करवा ली है। और हमारे टेलीविज़न में संस्कार चैनल नहीं था तो उसे भी दास ने सब्सक्राइब करवा लिया है ताकि परिवार के साथ बैठकर टेलीविज़न में वर्चुअल समागम का भरपूर आनंद उठाया जा सके। निरंकारी संत समागम वर्चुअल के माध्यम से सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी की अपरंपार कृपा से सभी को आशीर्वाद मिलने जा रहा है, जिसमें इस बार हट के सभी के आनंद और खुशियां प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि पूरे परिवार के साथ प्रत्येक के परिवार को एक समागम का रूप दे दिया है। अतः सभी अपने घर में हर्षोल्लास से इस समागम का आनंद उठाएंगे और दास तो बहुत ही भाग्यशाली है जो इस बार बच्चे की शादी हो रही है। सदगुरु माता जी की रहमतें भी मिलेंगी और आशीर्वाद ही मिलेगा। मैं सुनील कुमार उपाध्याय, बगहा पश्चिम चंपारण बिहार, निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। प्रत्येक वर्ष छुट्टियाँ लेकर सपरिवार समागम जाता था, चूँकि दास LIC से जुड़ा हुआ है। इस बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा के कारण वर्चुअल निरंकारी संत समागम दिसंबर को आयोजित किया गया है। इस बार छुट्टियाँ नहीं लेनी पड़ रही हैं, बाकी काम करते हुए जो निरंकारी वर्चुअल संत समागम का समय है यह हमने तय किया है, पूरे परिवार ने तय किया है कि उस समय 3 दिन तक शामिल होकर के अपने घर बैठ करके वर्चुअल निरंकारी संत समागम का हम पूरा परिवार आनंद लेंगे। बगहा ब्रांच में गुरु परिवार से बहुत सारा परिवार जुड़ा है, सभी ने अपने अपने घरों में बैठ करके और वर्चुअल निरंकारी संत समागम का आनंद लेने का फैसला लिया है और सतगुरु माता जी के मुखारबिंद से जो अमृत वचन आएंगे उसे हम सब ने हृदयंगम करना है, ताकि सभी इस वर्चुअल निरंकारी संत समागम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और सतगुरु माता जी के जो मुखारबिंद से अमृत विचार आ रहे हैं हम सभी आशीर्वाद के कृपा पात्र बने। सात संग जी प्यार से कहना निरंकार जी। सात संग जी, दासी का नाम अलीशा दुआ और हम सारा ही परिवार दासी का वडोदरा गुजरात से। और सात संग जी, हर साल आप जी की कृपा से जो समागम आप जी बख्शते आ रहे हैं, परिवार सारा ही सात संग जी बच्चे बचपन से ही आप जी के चरणों से जुड़े हुए, तो सात संग जी इस बार जैसा हम सभी को विदित है कि सदगुरु माता जी की अपार रहमत बख्शिश से हम सभी के हिस्से जो वर्चुअल समागम आया है, तो सात संग जी आप जी रहमत बख्शिश करो कि जो सभी ने स्कूल्स और कॉलेजेस से छुट्टियां ली हुई कि सारा ही समय समागम को दे पाए, और हर साल जैसे घर के बड़े या तो घर पर रुकते और बच्चे समागम जाते, तो इस बार सदगुरु माता जी की कृपा से सारा ही परिवार मिलजुल कर इस वर्चुअल समागम का आनंद ले पाए, यही अरदास कामना आप जी के चरणों में जी। सात संग जी प्यार से कहना निरंकार जी। 73वें निरंकारी संत समागम में जो भी भागीदारी करना चाहता है उसको कुछ नहीं करना, बस अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आपको निरंकारी संत समागम देखना है, आनंद लेना है। 5, 6, 7 दिसंबर को रोजाना 4:30 से 9 बजे तक संत निरंकारी मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट nirankari.org पर आप लाइव निरंकारी संत समागम का रोजाना आनंद ले सकते हैं। साथ में रोजाना 5:30 से लेकर 9 बजे तक 5, 6, 7 दिसंबर को आप संस्कार
टीवी पर भी इस समागम को लाइव देख सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि ये निरंकारी संत समागम निरंकारी वेबसाइट और संस्कार टीवी के अलावा उसके उपरांत किसी अन्य प्लेटफार्म यानी कि किसी भी सोशल साइट्स पर नहीं दिखाया जाएगा और यही एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि आप लाइव निरंकारी संत समागम देख सकते हैं। उसके बाद किसी भी YouTube चैनल या अन्य माध्यमों से आप इस समागम को नहीं देखेंगे, तो इसलिए मौका ना चूकिए और ये संत समागम आप घर बैठे देखिए। इसके लिए आप अपने शहर के संयोजक या जोनल इंचार्ज महात्मा से संपर्क कर सकते हैं, उनके माध्यम से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और ये निरंकारी संत समागम आप लाइव घर बैठे देख सकते हैं। आप भी भागीदारी कर सकते हैं 73वें इस निरंकारी संत समागम में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात।